अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब अच्छे रहे, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। तो बज रहे हैं 12:30। अभी नहाना वगैरह तो हो गया है, पर आज नहाना जल्दी हो गया, सबका सभी का हो गया, और कपड़े धोने बचे हुए मेरे ऐसा। और आज ट्यूजडे जाना है मुझे इज्तिमा में, तो सोच रही फटाफट से कपड़ा धो लूँ, हो जाएगा तो 3:30-3:15 तक मैं चले जाऊँगी। तो वहाँ से 5 बजे आऊँगी। वहाँ क्या बातें हुई वो आप लोगों को आखिर में ज़रूर बताऊँगी। और मुझे निकालने थे प्याले, अभी आकर निकालती हूँ। गौर हो गए रेडी, आज लोग की छुट्टी है, क्योंकि आज क्या है, छुट्टी किस लिए मिली है? हाँ, दशहरा, मैं भूल जाती बात। आज दशहरा है तो उसकी छुट्टी मिली हुई है। गौर जा रही है उसके फ्रेंड के साथ खेलने के। अस्सलामुअलैकुम। तो गौर ने सलाम किया। कहाँ जा रही हो? अच्छा, लगा देना। तो गौर गई कि फ्रेंड के साथ खेलने। मैं भी जल्दी जल्दी काम करती हूँ, खाना वगैरह तो नहीं बनाना है। जो मैंने कल अंडे का सालन बनाया था, चावल और सुबह में पराठे बनाए थे, तो वो है, तो बच्चे खा लेंगे और मैं चली जाऊँगी। कल, हाँ कल भी हो चुका ओरल एग्ज़ाम है, शाइन का नहीं है, गौर आया सा है। तो चलिए जाती हूँ मैं काम करने। काम कभी ख़त्म ही होता ही नहीं है, लाइफ टाइम हमारे पीछे काम पड़ा है। एक नहीं तो दूसरा आ जाता है। एक काम जैसे कपड़ा आज नहीं धोना है समझो, तो दूसरा काम आ जाता है सर पे, ऐसा होता है। जिस दिन कपड़ा धोना है तो उस दिन काम दूसरा ना सही, लेकिन दूसरे कोई काम ऐसे हो जाते हैं कि हमको करने ही पड़ते हैं ऐसा। तो चलिए मिलती हूँ मैं कपड़े धोने के साथ। जाने से पहले आपको वैसे मिलूँगी, ठीक है? रहने का बताऊँगी कि आप वहाँ पर क्या बात, ठीक है? चलिए जा रही हूँ, छोड़ खा पड़े। हमारा मुन्नू कुछ बोल रहा है। मुन्नू तो हमेशा से ही कुछ ना कुछ बोलता है, उसकी आदत है, वो बीच में टुक टुक टिक टिक करते रहता है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा मौसम है ना। काश मेरा गैलरी वाला घर होता ना, मैं गैलरी में लटकी हुई रहती, क्योंकि मुझे ना गैलरी वाला घर अच्छा लगता है। क्योंकि गैलरी में बैठ जाओ अपना, बारिश के मौसम में भी देखो गैलरी वाला अगर घर रहता है ना, तो गैलरी में बैठ जाओ, अपनी पकौड़ी लेकर और चाय लेकर मज़े लेते रहो। यही तो ज़िंदगी है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना। बड़ी खुशियों का इंतज़ार करते हैं हम, और छोटी खुशियाँ अवॉइड कर देते हैं, उसमें इतना इंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ ही मतलब की होती है, वही हमारे लिए खुशियाँ लाती है। बड़ी बड़ी खुशियाँ तो खैर हमारी होती नहीं है, वो पराई होती है बड़ी खुशियाँ। इसलिए छोटी खुशियों को ही एक्सेप्ट कीजिए, उसी में हमें खुश रहना है, उसी में हमें बड़ी खुशियाँ भी मिल जाएगी जो हमारे नसीब की है। और छोटी खुशियाँ तो खैर हमारी होती ही है, इसलिए हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो मुझे ना, इसलिए मेरी ये जो खिड़की है ना, मैं यहाँ पर ज़्यादा, मेरा किचन भी इधर ही है, तो मुझे यहीं बैठना पड़ता है। और उसी बहाने से मैं बच्चों को भी ताकते रहती हूँ कि लोग कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है ऐसे। वरना हालांकि बच्चे गली में रहते हैं, गौर और अयाज, साइन तो घर में रहती है, कॉलेज नहीं गए तो उसका पूरा दिन घर में ही जाता है। फ्रेंड्स तो है पर दूर दूर है उसके, तो वो नहीं जाती है ऐसा है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि ईद वगैरह आती है, तो शाहिन के कोई फ्रेंड्स नहीं है कि वो उन लोग के साथ घूमे जाकर। जैसे ईद में लड़कियाँ जाती है, घूमती है, इन्जॉय करती है, पर शाहिन बेचारी नहीं कर पाती इन्जॉय, क्योंकि ना उसके फ्रेंड्स है भी ना, तो काफ़ी दूर वो लोग अपना अपना निकल जाते हैं, फिर ये रह जाती है अकेली। तो इसका ईद वाले दिन में ना, इसका पूरा दिन घर में ही जाता है। सुबह मेरे साथ में खाना बनाने में हेल्प करती है, फिर दोपहर हो जाती है फिर सो जाते हैं, थोड़ा भी शाम हो जाती है। मतलब ईद का जो इन्जॉयमेंट करती है ना इस उम्र की लड़कियाँ, 16 साल की, तो ये लड़कियों को ना मतलब वो इन्जॉय नहीं कर पाती शायद, क्योंकि कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, है तो बहुत दूर है और वो अपना चले जाते हैं। इसके लिए वो घर में तो घर में रह जाती है, कहीं जा नहीं पाते। और हम तो भाई छोटे थे ना जब, तो बहुत खेलते थे, बहुत फ्रेंड के साथ घूमते, पर वो नहीं कर पाते, तो उस बात का मुझे थोड़ा बुरा लगता है, ख़राब लगता है कि वो नहीं कर पा रही है इन्जॉय। जिस तरह तैयार होकर निकलते हैं, सबके घर पर जाते हैं, फिर हमारे घर पर लेकर आती हूँ फ्रेंड लोग को, फिर वो ये उन लोगों के यहाँ जाती है, ऐसा होता ही नहीं है। अब गौहर आया जाए तो ये लोग अपने अपने फ्रेंड के निकल जाते हैं, ये लोग इन्जॉय कर लेते हैं ऐसा है। और लटक जाते हैं शाहिन और मैं दोनों, ऐसा होता है। चलो खैर कोई बात नहीं, हर दिन एक जैसा नहीं होता, अच्छा भी होता है, अच्छे दिन भी आएंगे इसके। मैं वही इसके बोलती रहती हूँ, देख स्कूल में कोई फ्रेंड नहीं बना, सब मतलब ही फ्रेंड है एक्चुअली में,
और कॉलेज में भी कोई इतना फ्रेंड बेस्ट बना नहीं, तो मेरे हो सकता है कॉलेज से निकलने के बाद कोई अच्छा फ्रेंड बन जाए, आगे हम जो कोई काम करने वाला है, कोई जॉब करेंगे, कुछ भी करेंगे हम, तो वहाँ पर कोई फ्रेंड बन जाए, ऐसा होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कॉलेज या उसमें बने, और नहीं बने तो भी ठीक है। वैसे कुछ फ्रेंड हैं इसके थोड़े, जो लोग कभी कैंटीन में चले गए नाश्ता वगैरह करने, या इन लोग के कॉलेज के बाहर बहुत सारे ठेले लगते हैं, तो वहाँ पर कभी ये चले जाते हैं लोग के साथ में, कभी पानी पूरी खाना है, कभी वड़ा पाव खाना है, कभी समोसा खाना है, तो कर लेते हैं। इतना छोटा मोटा इन्जॉय तो देखो बच्चों को करने देना ही चाहिए। हर जगह से पाबंदी करेंगे तो बच्चे बोलते ना, समझो एक आप एक वो रख दो, फॉर एग्जाम्पल एक टाकी पड़ी है और उसके पास एक छोटा बच्चा जा रहा है, तो उसको रोकेंगे, अरे मत जाओ, तो वो हट जाएगा पीछे। फिर उसको बोलेंगे अरे मत जाओ, फिर वो हट जाएगा। लेकिन उसके दिमाग में एक बात चलती रहेगी बच्चे के कि मुझे क्यों जाने नहीं दे रहे, इसके अंदर है क्या, मुझे एक बार देखना तो है। तो वो जाएगा ना उसको देखने दे देने का, देख लेगा हाँ भाई इसके अंदर तो पानी है, कुछ नहीं, वो दोबारा खुद ही नहीं जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि बच्चों को, इस उम्र के बच्चों को उनके फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घूमने फिरने देना ही चाहिए। हम अगर पाबंदी लगा कर, तो बच्चे देखिए आपने हमेशा नोटिस किया होगा, जिस बच्चे पे ज़्यादा पाबंदी होती है ना, वो बच्चे ही बिगड़ते हैं, वो बच्चों की ही खराबी मालूम पड़ती है। मतलब बच्चे हमारे अच्छे ही रहते हैं, बाहर जाते हैं ना कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं फ्रेंड्स कि बच्चों को ना एकदम बिगाड़ने के इसमें पड़ जाते हैं, गंदी गंदी आदतें डाल देते हैं। लड़के हैं तो सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, ये सब सिखा देते हैं। और सिगरेट आजकल नॉर्मल हो गया, सिगरेट का कुछ बोल नहीं सकते, पर ड्रिंक बहुत ख़राब है, वो तो पीना करना ही नहीं चाहिए। पर हम अच्छी तबीयत देते हैं घर में, लेकिन बाहर का बोल नहीं सकते ना। इसके लिए बच्चों को ना एकदम पाबंदी नहीं रखनी चाहिए। और कुछ लोग ना है दिखावा करते हैं, जिन्हें कुछ लोगों को मैं जानती हूँ, थोड़ा बहुत है यहाँ पर घर पर, कि बच्चों में एकदम स्टिक बन जाते हैं। शाइन की एक फ्रेंड है, उसको भी ऐसा ही है कि स्टिक बन जाते हैं माँ बाप। छोटी सी वो लड़की जैसे होगी मेरे ख्याल से 14 साल की होगी ना, वो गली में सन 14 साल की वो लड़की है, लेकिन उसको भूखा पिना डाले वो लोगों ने, और इतनी पाबंदी लड़की बिल्कुल बाहर नहीं निकलती है। मतलब इतनी स्ट्रिक्ट, मतलब वो लड़की की उम्र है कि वो खेले, मतलब कौन सी बड़ी होगी 14 साल की। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट नहीं बनना चाहिए बच्चों के पीछे। बहुत से लोग बोलते हैं कि बच्चों का मोबाइल चेक करो जैसे बड़ी हो गई लड़कियाँ, जैसे शाइन की होती है, शाइन से बड़ी, शाइन से थोड़ी छोटी, 14, 15, 16, 18 साल की लड़कियाँ, कि उनके मोबाइल चेक करो। मैं कभी मोबाइल चेक नहीं करती, मैंने कभी अपने हस्बैंड का तक मोबाइल चेक नहीं किया, तो मैं बच्चों का क्यों चेक करूँगी। मुझे देखो, हमको ना भरोसा होना चाहिए, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम अपने बच्चों पे भरोसा करेंगे ना कि वो क्या, हमको पता है, देखो मुझे पता है मेरी शायद बिल्कुल गलत नहीं, मैं खुद नहीं बोल रही, काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे कि आपकी शायद बहुत अच्छी है, शायद बहुत अच्छी है, और मुझे ही मालूम है ना मेरी लड़की सही है, तो मैं क्यों उस पर डाउट करूँगी कोई चीज़ को लेकर। मुझे कोई भी बोलता है ना उसका फ़ोन चेक करो या उस पर नज़र रखो, मैं उनकी बातें ना खड्डे में डालती हूँ, मैं नहीं करती कुछ भी, क्योंकि मुझे भरोसा है उनको, उनके बच्चों पर भरोसा नहीं होगा, इसलिए वो फ़ोन चेक करते हैं, उनके पर नज़र रखते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है तो मैं वैसा नहीं करती। और आप लोग भी करते हैं तो इतना स्ट्रिक्टली मत बनिए बच्चों की तरफ, और लोगों को हमेशा ना थोड़ा ढील दीजिए। हाँ, कुछ बच्चे लोगों को हम सोचते ना ज़्यादा ढील देने तक बिगड़ रहे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, होता है। मैंने काफ़ी बच्चों को देखा जिनके स्ट्रिक्ट रहते हैं ना, वो बच्चे ही बिगड़ते हैं ऐसा। तो देखिए, और इसमें मैंने क्या, बच्चों को ज़्यादा डगमगाने को वक्त नहीं लगता, इसलिए अगर हम उनको और स्ट्रिक करेंगे तो वो और हमारे ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए इतना स्ट्रिक नहीं बनना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। हमको इस्तेमाल में भी ये बातें बताया है, गए इस्तेमाल के गए इस्तेमाल में बताए थे, तो बच्चों के लिए इतना स्ट्रिक नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने एक वीडियो में बोला भी है इस बारे में कि नहीं होना चाहिए। और मोबाइल वगैरह तो आजकल छोटे छोटे बच्चे तो मोबाइल लेते हैं, मोबाइल की कोई बड़ी बात नहीं है, और लेने देना चाहिए मोबाइल। बच्चे पढ़ पढ़ के भी बोर हो जाते हैं, थोड़ा अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए मोबाइल ले लेते हैं, ऐसा है। आजकल बच्चों को ना जैसे देखा जाए ना, पढ़ के चश्मा नहीं आ रहा है, मोबाइल से चश्मा आ रहा है, ये तो है लाजमी, पर क्या करें, लॉकडाउन ने सबकी अलग ही दुनिया बना दिया है, लॉकडाउन में तो वही चल रही दुनिया, अभी तक लॉकडाउन हटा नहीं दिमाग से, अभी तक ऐसा हो गया। चलिए, मैं जाती हूँ कपड़ा धोने, मेरे बज गए हैं एक, मतलब एक बज गए, आ रहे 5 मिनट बचा हुआ है, तो मैं जा रही हूँ कपड़ा धोने फटाफट से। चलिए, मिलती है, बहुत पकाती हूँ ना मैं एक्चुअली में। लेकिन देखिए, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ, मतलब सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है, ताकि मुझे ही पता चले ना जो मैं बोल रही हूँ वो गलत है या सही, ठीक है, ज़रूर बताइए कमेंट्स में। तो मैं आ गई इस्तेमाल से, बज रहे हैं 4:45, तो 4:45 बजे, इसके 5 मिनट पहले ही छुट गए थे, मतलब आज जल्दी ख़त्म करें, क्योंकि आज हमारे गौसा आज़म बाबा के बारे में बताना था कि मतलब वो कितनी बड़ी नियाज किया करते थे हमारे नबी के लिए, जो हम
उनका जो जन्मदिन मनाते हैं, तो वो गौसा आज़म बाबा ना उनका जन्मदिन, हमारे नबी का जन्मदिन हर महीने मनाते थे, हर महीने, मतलब हम तो एक साल में मनाते हैं ना, तो वो क्या करते थे, हर महीने मनाते थे। इतना उनको प्यार था हमारे नबी से कि वो हर महीने मनाते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो क्या करते थे, जितनी भी उनकी जो दौलत होती थी ना, रोज दिन पूरा दिन कमाते थे, महीना कमाते थे, फिर जैसे महीने की 12 तारीख आती थी तो वो पूरा खर्च कर दिया करते थे। और न्याज मनाते थे, इतनी शान से मनाते थे हमारे नबी का जन्मदिन, तो इसी तरह इतने अच्छे से मिलाद मनाते थे, तो इतने न्याज कराते थे हर हर महीने, बताओ हर साल कराते ना, तो हमारे गौसा आज़म बाबा हर महीना, थोड़े चुप बैठूँगी क्योंकि अजान हो रही है, ठीक है, अजान हो गई। बोलते अजान करने पे ना बात करना चाहिए, ना ही हंसना चाहिए, और जो भी हम जो भी काम कर रहे हैं उसको रख कर चुपचाप बैठ कर सिर्फ अजान पे गौर करना चाहिए कि अजान में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। और तो हमारे गौसा आज़म बाबा ने हमारे नबी का मिलाद बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाते थे। तो एक वक्त ऐसा आया ना कि उनके पास है ना, जब मिलाद आ रही थी तो उनके पास है ना पैसा नहीं था, एक रुपया भी नहीं था कि वो मिलाद मनाए। तो उनको इतना टेंशन हो गया, हमारे गौसा आज़म बाबा को इतना टेंशन हो गया कि मैं हर महीने हमारे नबी का जन्मदिन मिलाद मनाता हूँ, तो इस बार मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं कैसे मनाऊँ। तो अमामा जो पहने थे सर पर, तो क्योंकि ना वो बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते थे, उनके एक एक जो कुर्ते होते थे ना वो एक एक लाखों के ऊपर होते थे, तो उनका जो अमामा था ना वो काफ़ी महंगा था। तो उन्होंने क्या किया, अपना अमामा निकाले सर से और उसको बैठ कर देखने लगे, और अपने एक खादिम को बुलाए और बोले कि जाकर इस अमामा को ये मक्का से दूर दूर शहर में जाकर इसे बेच दो, और बताना नहीं किसी को कि ये गौसा आज़म का था, बेच कर आओ, इससे जो पैसे आएंगे ना उसकी मैं नियाज करूँगा। तो मुरीद वो कहने लगे कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मतलब आप, बोले नहीं, ये कभी ऐसा ना बोला जाए, कोई ना बोले कि जब गौसा आज़म के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने हमारे नबी का मिलाद नहीं मनाया, मैं हर बार मनाता था और मैं ज़रूर मनाऊँगा, तो जाओ इसे बेचाओ और मुझे इसके जो पैसे मिलेंगे वो लेकर आओ, मुझे जो मैं इसका नियाज करूँगा। तो और ये जब मुरीद चले गए जो मुरीद अमामा बेचने के लिए, तो वहाँ पर उसके बाद में जाने के बाद में ना हमारे गौसा आज़म बाबा बहुत रोने लगे, बहुत 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 फुट फुट कर रोने लगे, कि उनको इतना रोना आया ना कि वो बोलने लगे कि मैं तो बहुत रोने लगे वो। तो हमारे नबी उनके सपने में आए और बोलने लगे, क्योंकि उन्होंने ना, मतलब जब वो हमारे गौसा आज़म बाबा के जब मम्मी प्रेगनेंट थे ना, तब हमारे नबी ने उनके सपने में आकर ये कहा था कि ये जो बच्चा होने वाला है ना, ये बच्चा तुम्हारा नहीं मेरा है, मतलब गौसा आज़म के बाबा के अब्बा के सपने में आए थे एक्चुअली मम्मी के लिए। तो ये जो बच्चा होने वाला है, तेरे घर में जो बेटा आने वाला है वो तुम लोगों का नहीं, वो मेरा बेटा है। तो हमारे नबी ने बहुत पहले अपने गौसा आज़म बाबा को अपना बेटा बोल दिया था। तो उनके सपने में आए, बोले क्या हुआ बेटा, तुम इतना क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई। तो गौसा आज़म बाबा कहने लगे, गले लगकर हमारे नबी के, कि मैं हर साल आपका जन्मदिन, हर महीना मैं आपका, जब भी 12 तारीख आती है हर महीने की, तो मैं हर महीने की 12 तारीख को आपका मिलाद मनाता हूँ, मैं नियाज करवाता हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं करूँ, तो लेकिन फिर भी मैं करूँगा ज़रूर। तो हमारे रबी को तो सब पता रहता, जब वो रो रहे थे वो पता था, तो उनको ये भी पता था कि अमामा उन्होंने अपना बेचने के लिए अपने मुरीद को भेजे। तो हमारे नबी ने पूछे कि अमामा कहाँ गया, अमामा को क्यों अपने मुरीद को देकर तुमने बेचने लगा। तो बोले अमामा क्या चीज़ है, आपके जो न्याज करानी थी मुझे, तो अमामा क्या चीज़ है, मैं अपने आप को भी बेच दूँगा, इतनी बड़ी बात कह दी। तो हमारे नबी एकदम मतलब खुश हो गए, उन्होंने कुछ बोले भी ना, तब समझिए हमारे नबी को तो सब पता चल ही जाता था। तो हमारे नबी ने कहा कि हर साल जब मेरा मिलाद मनाते हैं लोग, तो मेरे मिलाद मनाने के पहले सबसे पहले 11वीं शरीफ मनाएंगे। तब ये मतलब हमारे नबी ने डिक्लेयर किए, सब अमाम को फैलाए कि अमाम में, जब मतलब लोगों में फैलाए कि 12वीं शरीफ से पहले, देखो तारीख के हिसाब से तो 11वीं शरीफ 11 तारीख पहले आती है, 12वीं बाद में आती है 12 तारीख। तो हमारे नबी ने भी कहा कि मेरी 12 रबी अव्वल मनाने के पहले 11वीं शरीफ मनाई जाएगी। क्योंकि देखिए ना, क्योंकि 11वीं शरीफ वाले दिन हमारे जो गौसा आज़म बाबा ना हुई, उनका इंतकाल हुआ था, ना इनका जन्म हुआ था, ना ही कोई ऐसी कोई बात थी जो हम 11वीं शरीफ मनाएं। तो 11वीं शरीफ हम क्यों मनाते हैं, तो हमारे इस्तेमा में आज यही बताया गया कि 11वीं शरीफ इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे नबी ने कहा
कि मेरा 12 रबी अव्वल मनाते हैं 12 तारीख को, तो 11वीं शरीफ 11 तारीख को हमारा गौसा आज़म बाबा की तरफ से मनाई जाएगी, उनका फातिहा होगा। तो ये लोगों में बात फैल गई, लोगों ने जान लिया कि ये ऐसा होने वाला या हो रहा है, चल रहा था वो टाइम पर। फिर हमारे जो गौसा आज़म बाबा हैं वो पर्दा कर गए, उनका इंतकाल हो गया, उनका विसाल हो गया, कहते हैं साल हो गया उनका। तो वहाँ के जो लोग थे वो टाइम के, उन्होंने अभी वो चले गए गौसा आज़म बाबा, तो उन्होंने बंद नहीं कर दिए ये करना, उन्होंने ये चीज़ को जारी रखा। 12वीं शरीफ भी मनाते थे और 11वीं शरीफ भी मनाते थे, दोनों चीज़ें मनाते थे। और वो चीज़ देखिए ना, आप अभी तक कायम है, हम भी मनाते हैं, हमारी आने वाली जो नस्ल होगी वो भी मनाएगी, उसके आने वाली नस्ल भी, जब तक ये दुनिया है तब तक 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ दोनों मनाई जाएगी, और दोनों भी इतनी धूम से मनाई जाएगी। आपने तो देखा था 12 रबी अव्वल कितनी धूम से मनाते हैं, और 11वीं शरीफ भी कितनी धूम से लोग बड़ी बड़ी नियाजें करते हैं, देख मनाते हैं। तो हमारी बाजी ने क्या बोला इस अभी कि जो जुमेरात की रात होगी ना, जिस दिन 10 तारीख होगी, 10 तारीख की जो मगरिब आती है उसके बाद में 11वीं तारीख लग जाती है, तो आप चाहें तो वो दिन भी नियाज दिला सकते हैं शाम में मगरिब के बाद, या तो फिर जुमा का तो पूरा दिन आपके पास है ही। तो जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी नियाज कराते हैं, तो वो लोग बोलते हैं अरे 11वीं शरीफ वाले 4 दिन के बाद तो मुझे नियाज कराना ही है, जैसे पूरा महीना है ना, पूरा महीना है ही एक्चुअली, लेकिन 11 तारीख जो इतनी मतलब बोलते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट और फिक्स है, अगर आप बाद में भी नियाज दिला रहे हैं ना, बड़े बड़े मतलब देख बनाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, दावत देते हैं, आम दावत करते हैं, या नियाज करते हैं सिर्फ घर वालों के लिए, तो खाना बनवाते हैं, तो उसके अलावा 11 तारीख को फातिहा कराना बहुत ज़रूरी है, बहुत बोले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप करवाते हैं 11 तारीख को नियाज, उसके बाद में भी आप वापस से दोबारा कभी नियाज करा सकते हैं, क्योंकि पूरा महीना तो हमारे पास रहता ही है, बट 11 तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए 11 तारीख को नियाज कराना बहुत ज़रूरी है। या तो जुमेरात की शाम को करा दीजिए मगरिब के बाद, या तो जुम्मा का पूरा दिन है हमारे पास मगरिब से पहले का, तो 11 तारीख रहेगी, आप पूरा दिन करा सकते हैं, दोपहर शाम कभी भी करा सकते हैं, तो ज़रूर कराइएगा। छोटा थोड़ा बाजी ने बोले अच्छा सा बनाइए, कुछ भी अच्छा सा बनाइए, और 11वीं शरीफ की फातिहा ज़रूर 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 कराइए। तो इस बारे में आज बात हुई बहुत सारी, मतलब वक्त तो बहुत कम रहता है, देखो बाजी आते हैं 3:30 के लिए, 4:45 बजे और 5:45 बजे वक्त ख़त्म हो जाता है, तो 1.5 घंटा ऐसा मिल जाता है, 1 घंटा 1.5 घंटा, तो इसमें इतनी सारी बातें हमको बताते हैं बाजी। तो इतनी सारी बातें उन्होंने बताई कि हमारे गौसा आज़म बाबा का 11वीं शरीफ क्यों मनाते हैं, और हमें उसी फातिहा ज़रूर करानी है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं तो मतलब जुम्मा को फातिहा ही कराने वाली हूँ, 11 के तक पढ़ाने वाली हूँ, इंशाल्लाह खीर बनाऊँगी मैं, तो मेरा तो मतलब हो ही जाएगा। तो जो लोग नहीं कराते, जो लोग नहीं करा पाते, जैसे देखिए 11वीं शरीफ से 11 किताब भी बहुत नहीं पढ़ाते हैं और नियाज भी नहीं कराते, तो वो लोग लेकिन सिर्फ नियाज आप लोग ज़रूर कराइए, जुमेरात के दिन कराइए, जुमेरात की मतलब शाम के बाद, या फिर जुम्मा, ये दोनों में से ज़रूर करिए, मतलब इंपॉर्टेंट दिन है ये। अब जैसे हमारे इस सभा का दिन देखो कैसे फिक्स है, मंगल फिक्स है ना, हम लोग वो मंगल में पहुंच जाते हैं, वैसे ये भी एक फिक्स टाइम है कि आप लोग 11 तारीख को ज़रूर 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 कराइए फातिहा, थोड़ा तो थोड़ा से ही बनाकर कुछ अच्छा सा ज़रूर फातिहा कीजिए, और उसके बाद अगर बहुत लोग नियाज करते हैं, खाना वाना बनाते हैं, देगे बनाते हैं, तो वो वाली भी कर सकते हैं, ऐसा है, सिर्फ वही कीजिए, ऐसा नहीं, ये फातिहा बहुत ज़रूरी है 11 तारीख की। और अभी कुछ आप बोले थे मेरे को, चलिए जैसे मुझे याद आएगा तो मैं इस ब्लॉग में सही, अगले ब्लॉग में, कोई भी ब्लॉग में आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगी कि और क्या बातें हुई थी। अभी तो बज रहे 5 बजने आ गए हैं, और नमाज का भी टाइम है, नमाज पढ़ना है सबकी, और नियाज मिली थी हम लोगों को आज, नान कटाई मिली थी, थोड़ा खाए बच्चों बाकी रहते, और कभी बिस्किट्स भी मिल जाती है, ऐसा नहीं बिस्किट भी मिलती, आज बिस्किट और नान कटाई दोनों मिली थी। और कभी जैसे बहुत से लोग देते हैं कि हमारी तरफ से नियाज दे दो, बांट दो, तो बिस्किट ला के देते हैं, कभी छोटे केक होते हैं वो ला कर देते हैं, या फिर घर से कुछ हलवा बना कर उसके पैकिंग वगैरह करके वो देते हैं, ऐसा करते हैं, तो हो जाता है। तो वही मेरी तैयारी है, देखो तुम तो मुझे साफ ही लग रहा, साफ ही है ना शाइन, तुम तो नहीं, तुम तो साफ ही है, चटाई धो लूँगी और प्याले वगैरह निकाल के रख लूँगी, और सुबह से मुझे लगना पड़ेगा। एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट दिन ऐसे आते हैं ना हमारे, तो उसके लिए हमें उस तरह प्रिपेयर करने की लिए जो चीज़ें होती हैं, उस तरह हमें अच्छा भी लगता है करने के लिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। हमारी बिल्लियाँ ना हद इन लोगों को देखो। तो चलिए नमाज पढ़ लेती हूँ, फिर बनाती हूँ वही अपनी रूटीन, चाय चाय, और
आप लोगों का ऐसा कुछ पूछना है तो आप मुझे बताइएगा, आप लोगों को क्या जानना है तो मैं वहाँ इस समय में पूछूंगी और मुझे जो जानकारी मिलेगी वो मैं आप लोग तक पहुँचाऊँगी। ठीक है, चलिए चढ़ा दी है चाय, अभी मेरी चाय बॉयल होने आ रही है। चाय होने आ रही है, मैं चाय निकाल लेती हूँ, थोड़ी 2 मिनट बॉयल होगी ये, मैं इसे निकाल लूँगी। चाय हो चुकी है, मैं खा रही हूँ चाय और टोस्ट, बच्चे भी चाय और टोस्ट खाकर चले गए हैं। गौर अरबी गई है, आयाज नमाज गया और शाहीन अपने मुर्गी के लिए बटर लाने के लिए गई है, वो टोस्ट नहीं खाता है तो उसके लिए 10 रुपये का बटर लाने गई है। तो ये मैं खा रही भिगा कर, चले मिलते हैं इसे खाने के बाद। तो मेरा खाना बनाकर हो गया, बनाया मैंने दाल चावल, क्योंकि शाम की चाय पी उसके बाद में मैं चले गई थी मार्केट, कांदा बटाटा लेकर आई और आकर बनाई मैंने दाल चावल, क्योंकि बटाटे की भाजी सुबह बना के देना रहता है या भुर्जी बनाऊंगी बच्चों के टिफ़िन के लिए, फिर आगे रखना पड़ता है। और अभी मेरा हो गया खाना बनाकर, बज रहे हैं 10:20 हो गए, अभी तक बच्चे आए नहीं, आएंगे तो खाना खा लेंगे। इधर काफ़ी अंधेरा लगता है ना ऐसा, अब कल देखूँगी यहाँ पर लाइट लगा दूँगी मैं छोटी वाली, कल या परसों, तो फिर लाइट रहने दूँगी, क्योंकि शाइन को पसंद है तो रहने देती हूँ, जाने देती, माह रमज़ान में लगा दूँगी क्योंकि अभी तो बारिश तो है नहीं, तो लगा के रख सकते हैं, अच्छा भी लगता है एक्चुअली, वो रोशनी आती है ऐसा, नाइट ग्लो का भी काम कर देती हूँ क्योंकि ना वो रोशनी आती है, हम रात में भी चालू रख के सो जा रहे थे तो अच्छा लग रहा था घर में जैसे, वरना अंधेरा अंधेरा हो जाता है। बाहर की जो गली में लाइट है ना, गली में भी हमारे देखो लाइट लगी हुई है बाहर, उजाला आता है तो बस थोड़ा अंधेरा जो उजाला आता है तो बड़ी लाइट के पूरा दिन चालू रहती है, हम लोग दिन में भी चालू रहती है, उस हिसाब से ना लाइट काफ़ी थक जाती है, तो उसको रेस्ट करने के रेस्ट देने के लिए हम लोगों को छोटी लाइट जला देती थी, नहीं तो बंद कर देती थी, तो बाहर का उजाला आता था ऐसा। तो आज जो भी इस समय में बातें हुई तो वो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग ज़रूर उस पर गौर कीजिए, और जुम्मा के दिन आप लोग ज़रूर फातिहा कराइए या जुमेरात की शाम को कराइए, क्योंकि जुमेरात की शाम मगरिब के बाद में तो दूसरा दिन लग ही जाता है हमारा, तो 11 तारीख लग जाएगी तो आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर तो माशाल्लाह बहुत लोग करते हैं 11वीं की नियाज, जैसे बड़ी नियाजें तो होती है वो एंडिंग में होती है, लेकिन स्टार्टिंग में ना सब लोग ना 11 किताब पढ़ाते हैं, और बच्चे जो 11 लड़कियाँ आती है या 11 लड़के आते हैं या 11 औरतें आती बड़ी, तो वो सबके लिए नाश्ता वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है हमारे गले में बहुत होता है, जैसे अभी स्टार्ट हो जाएगा देखो 11 तारीख से, तो ऐसा है। और अभी तो मेरा काम हो गया शाइन का, उसका पढ़ाई चालू है, शाइन की पढ़ाई कर रही है, डैडी डैडा बोलती तो बराबर देखता है बच्चा, आ जाओ मम्मा सुनू आओ सुनू आओ, इसकी छोटी बनाकर बैठी मेरे पास, आ सद्दो सद्दो बड़ी, हाँ सद्दो बड़ी तो पहले आई, देखो इसका नाम है सद्दो वड़ी, आई मीन पहले दबेली नाम था इसका, दबेली नहीं सदमा नाम था, है ना शाइन इसका सदमा नाम था, फिर सर हम सद्दो पढ़ा भी सद्दो वड़ी हो गया, ये बड़े बेचती है इसके लिए वड़ी हो गया ना हाँ सद्दो वड़ी है, सद्दो वड़ी इधर पे उजाला बराबर आता है। यह है टैडी की बहन छोटी वाली, और हमारा टैडी जो है वो सबसे बड़ा है, और उसकी बहन है वो छोटी, बहनें सब छोटी उसकी, और वो माशाल्लाह बड़ा है, बड़े की हरकतें तो लेकिन नहीं है उसकी, हरकतें छोटी बिल्लो जैसी, बिल्ले होते हैं वैसे हरकतें, पर नाम का सिर्फ बड़ा है, काम का कुछ भी बड़ा नहीं इसको। हाँ बेटा ते मैं तेरी तारीफ करूँ, जरा कुछ बोल तो सही, वाह तो बोल, बहुत अच्छा बच्चा मेरा, बुलाओगी ना इसको टैडी, इधर आ बराबर आएगा मेरे पास, बहुत अच्छा। पता बोलते हैं ना इंसान देखो जितना समझदार नहीं होता है, न जान के अनजान बनना, पहचानना नहीं देख कर भी, अवॉइड करना, लेकिन जानवर ऐसा नहीं करता है, जानवर हमेशा वफादार रहता है, और सबसे वफादार बोलते हैं कुत्ता होता है, लेकिन कुत्ते को हम नहीं पाल सकते हैं क्योंकि उसके जो राल है वो शैतान का क्या होता है, वो शैतान कहते हैं अजीज का, इबलीस का क्या रहता है वो खून, इबलीस का थूक, उसका जो रहता है ना इबलीस का थूक रहता है वो, तो इसके लिए ना उसका जो थूक निकलता है ना इबलीस का थूक रहता है, तो हम जान कुत्ते को नहीं पाल सकते हैं, कुत्ता छूता भी है तो हम नापाक हो जाते हैं ऐसा है। तो बिल्ली पालना हमारे इस्लाम में बहुत अच्छा है, सुन्नत है, क्योंकि हमारे जो नबी हैं वो भी बिल्लियाँ पाला करते थे, और उनके पास ना मुर्गा रहता था, जो हमारे पास है ना जो ब्रीड का मुर्गा, वही ब्रीड का मुर्गा वो भी पालते थे, और बिल्ली, तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, सुन्नत है इसे पालना, और इसे अच्छे से देखभाल करना भी ऐसा है।
तो बहुत लोग है ना जानवर पालते लेते लेकिन उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो वो सही नहीं है। पाल रहे हो जानवर को तो उसकी देखभाल करो, उसका केयर करो। हमारे मुन्नू का ना ताज बहुत बड़ा था पहले, उसकी ना पूरी आँख पूरी छुप जाती थी, दब गई थी बच्चे की आँख। तो उसका ताज का हम लोगों ने कटवाया माशाल्लाह, फिर वो अच्छा हो गया। अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आँख भी पकड़ा हुआ ना, कुछ खा ही नहीं रहा था बच्चा, ऐसा हो गया, ठीक हो गया उसका। अच्छा आँख भी उसकी खुल गई, मैंने आँख का बहुत टेंशन हो गया था, उसकी आँख पूरी तरह दब गई थी, मतलब बनी हो गई थी, ऐसा हो गया था आँख उसकी लेफ्ट साइड की, अभी ठीक है। तो टेडी बेयर के पास बैठ गया मेरा, अभी लोगों को भी खाना देने का टाइम है, इन लोगों को मैं खाना दे देती हूँ और मेरे जो बच्चे उनको बुलाकर खाना खिलाती हूँ, क्योंकि वो लोग हैं बाहर, सिर्फ शाहीन है उसकी पढ़ाई चालू एक्चुअली, और अपना अयाज और बहुत बाहर, अयाज और नमाज जाता है ना तो घंटा फुर्सत उसकी, और अपना बहुत तो उसकी फ्रेंड के साथ बाहर खेलती है, मतलब तो उसके घर में खेलती, गली में ही है तो टेंशन नहीं, रोड पर ही जाते हैं, गली में खेलते रहते हैं तो चलता है। रोड पर जाएंगे तो टेंशन, और मैं गुस्सा भी करते रहती हूँ कि मत जाओ रोड पर, आजकल का ज़माना ना अच्छा नहीं है, हम अपने लोगों पर भी भरोसा नहीं कर सकते, पारे लोग का क्या कहना, तो बोल नहीं सकते। इसलिए बच्चों को तो अलर्ट करके भेजा करो बाहर के, किसी भी गैर के पास ना जाए, और हम ऐसा सोचते ना जानते हैं थोड़ा भी तो चले जाते, नहीं किसी भी पास जाने से मना करना चाहिए, बच्चों को भेजना ही नहीं चाहिए। हमें हमारे साथ में लेके जा रहे अलग बात है, पर बच्चों को अकेले कहीं पर भी नहीं भेजना चाहिए, मैं नहीं भेजती हूँ जल्दी से, खास करके गौहर को, वो छोटी है ना वो, ऐसा है। तो चलिए मैं बुलाती हूँ लोगों को, खिलाती हूँ खाना, फिर 11 बज जाएंगे, देखो ऐसे ही 11:30 हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे ये करो वो करो वो करो ये करो, काम में ना वक्त निकल जाता है। चलिए वह खाना हो गया है, बज रहे हैं 11:30, मतलब 5 मिनट कम है, 11:25 हो रहे हैं, ऐसा 11:25। तो गौहर का थोड़ा स्पीच चालू है, मतलब उसका ओरल दे रही है वो, शायद उन्होंने स्कूल में कल ओरल है, कल या परसों है, ऐसा है। तो आज का दिन तो ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया मतलब ख़त्म हो रहा है अभी, क्या 11 बज गया, फिर हम लोग 11:30 होने आ रहे हैं, फिर बिस्तर डालेंगे, सोते सोते वही 12-1 बजते ही है, कितनी भी कोशिश कर लो एक आदत पड़ जाती है ना इंसान को, तो वो बिस्तर में तड़पता रहेगा, पर नींद तभी आएगी उसको जब उसको आनी है, वो भी लेट वाली नींद। तो हमारा टैडी का भी खाना हो गया है, और मेरा टैडी बैठ कर देख रहा था, अभी बिस्तर डालेंगे ना तो उसमें फटाक से घुस के सो जाता है। हाँ टेडू मम्मा। तो आज का आपको ब्लॉग कैसा लगा? रेसिपी तो कोई थी नहीं, क्योंकि मैंने दाल चावल ही बनाया था और हमने अचार ला लिया था, तो रेसिपी तो कोई थी नहीं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं ब्लॉग देखिए, मैं जो भी है इस्लाम से रिलेटेड बातें वही बताती हूँ, और आपको कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए, तो मैं इस समय में जाऊँगी तो मैं बाजी को पूछूँगी तो वो मुझे बताएंगे तो वो मैं आप तक पहुँचा दूँगी। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं हमको पता नहीं होती, हमको पता करना ज़रूरी होता है हमारे इस्लाम के बारे में, ऐसा लगता है हमें कि हमें सब कुछ पता है लेकिन नहीं पता होता है। और जितना हो सके ना हम लोग इस समय में ये बोलते हैं कि आपको पता है ना इस्लाम से रिलेटेड जो भी चीज़ है तो लोगों को बताओ बताओ फैलाओ चीज़ों को, किसी को पता नहीं है तो पता चल जाएगा। जैसे हम लोग इस समय में जाते हैं तो हम लोग को काफ़ी बातें मालूम पड़ती है जो आज तक पता नहीं थी, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग किसी और को बताइए फिर और बताइए, ऐसे कर करके ना वो बातों को फैलाइए। भाजी भी खुद कहते हैं बोले मैं बताती हूँ ना आप लोगों को बातें, तो आप लोगों को बताओ, जाके आपके घर में बताओ, आपके पहचान वालों में बताओ, पड़ोस में बताओ, रिश्तेदारों में बताओ, ऐसा है। तो हमें बताना चाहिए फैलाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि क्या क्या होता है, ऐसा है। तो जैसे आप लोगों को आज पता चला मैंने जो बताया आपने आकर इस समय से कि हम 11वीं शरीफ क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारे नबी की 12वीं शरीफ होती है, इसलिए हमारे नबी ने ऐलान किया था कि 11वीं शरीफ भी मनाना, क्योंकि वो गौसे आज़म बाबा का है। तो चलिए ये सब चीज़ें हो गई हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिन्होंने नहीं किया, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, आपको मैं अपनी दुआओं में बेशक याद रखूँगी। तो हो गया आज का दिन, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।